प्यारे बच्चों, कक्षा सप्तम विषय हिंदी व्याकरण में भाग एक में अपने भाषा के बारे में पढ़ा कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने भेद हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक ये भाषाएं पढ़ी, वर्ण के बारे में पढ़ा। इसके बाद आपका आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जो भाषा की हम ध्वनि होती है, वो हम जो लिखित रूप में यानी वर्णों को, शब्दों को हम जो लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। इसकी परिभाषा देख सकते हैं, भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए बनाए गए जो चिन्ह हैं अर्थात वर्ण हैं, जो व्यवस्था है, उसको क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। अब भाषा और लिपि की कौन कौन सी, भाषा की कौन कौन सी लिपियाँ हैं? जैसे आपकी मराठी है, हिंदी है, संस्कृत है, नेपाली है, तो इनकी क्या है आपकी लिपि? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। स्पेनिश भाषा, स्पेनिश भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। जर्मन भाषा की? रोमन। और पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी। तो ये भाषा और आपकी लिपि आएगी, कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है। अब इसके बाद आता है आपका व्याकरण। व्याकरण हम किसे कहते हैं? तो व्याकरण के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी भाषा है उसको हम शुद्ध रूप में करें, तो उसके अंतर्गत जो नियमों का पालन किया जाता है उनको हम व्याकरण कहते हैं। जैसे हमारी परिभाषा में क्या दे रखा है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने कहा राम जाति है, राम जाति है, तो क्या ये शुद्ध है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि राम हमारा पुरलिंग में है। राम किस में? हमारा पुरलिंग में। तो राम जाता है ना कि जाती है। तो हमने ये व्याकरण के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत सीखा कि लिंग के अनुसार हम अपने जो क्रिया है उसको लगाते हैं। जैसे हमने कहा राम जाती है, ये हमारा गलत है, तो हमने क्या लिखा? राम जाता है। तो ये क्या हो गया? हमारा शुद्ध हो गया। तो हम व्याकरण के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं कि किस प्रकार हम अपनी भाषा को शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद ये तो आपका भाषा का पूरा हो गया, जो आपका चैप्टर चल रहा था भाषा का व्याकरण, उसमें लिखित भाषा हो गई, मौखिक हो गई, सांकेतिक हो गई, उसी के अंतर्गत आपकी लिपि आई और व्याकरण आया। अब आते हम संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, हम परिभाषा क्या पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या स्थान का नाम हो, या भाव का नाम हो, गुण का नाम हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा संज्ञा कहलाता है। तो परिभाषा के अंतर्गत ही हम क्या कहते हैं कि व्यक्तिवाचक, इसके भेद जो है हमारे कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, पहला भेद कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, और तीसरा होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। कौन कौन सी संज्ञा होंगी हमारी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और तीसरा हो गया हमारा भाववाचक। अब हमारी जो द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, वो जातिवाचक के उपभेद हैं। जातिवाचक के उपभेद कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हमारा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारे व्यक्ति के नाम आते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, यानी राम, नाम, श्याम, काम, कोई सा भी नाम हो, किसी व्यक्ति का भी नाम हो, वो क्या होता है? हमारा संज्ञा कहलाएगा। राम का नाम संज्ञा है, आपका नाम जो भी है वो भी संज्ञा होगा, आपकी मम्मी का नाम वो भी संज्ञा होगा, यानी किसी का भी नाम आता है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब वस्तुएं आ गई, वस्तुएं कौन सी हो गई आपकी? पंखा है, कार है, टेबल है, मेज है, जो भी जितनी भी आपकी वस्तुएं हैं वो आपकी किस में आ गई? संज्ञा में आ गई। प्राणी, प्राणी कौन कौन से आपके जानवर जितने भी हैं, पक्षी हैं, तो उनके नाम जो है वो किस में आ गए? हमारे संज्ञा में आते हैं। स्थान के नाम, स्थान आपका मंगूपुरा है, रामपुर है, मुरादाबाद, यानी जितने भी आपके स्थान है वो भी हमारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा। यानी किसी का भी नाम होता है वो हमारा संज्ञा है। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो जाति का बोध कराती है, उसमें किसी का नाम नहीं है, पर्टिकुलर नाम नहीं आएगा, विशेष नाम नहीं आएगा, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका विशेष नाम आता है कि राम, नरेश, सुरेश, महेश, लता, ये नाम आ गए, लेकिन जाति समूह का बोध होता है इससे, किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे लड़का है, अब लड़का कोई सा भी हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, नरेश हो सकता है, सुरेश हो सकता है, तो जितने भी लड़के हैं वो कहलाएंगे तो लड़के ही,
तो वो आपके किस में आएंगे, जाति समूह का बोध करा रहे हैं, तो वो किस में आएंगे, हमारी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ऐसी लड़की है, अब लड़की कोई सी भी हो, कहलाएंगी तो लड़कियाँ ही, यानी लड़की का नाम कोई सा भी हो, जैसे आपका सीता है, गीता है, रीता है, कोई सा भी नाम है, क्या कहलाएंगी वो, लड़कियाँ। तो ये क्या कहेंगे, जाति का बोध कराती है, इसलिए वो क्या कहलाती हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब जातिवाचक संज्ञा के हमने दो भेद देखे, कौन कौन से, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक यानी जो जिनसे हमारी द्रव्य पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कोयला, अनाज, दूध, दही, ये किस में आएंगे, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब आता है समूहवाचक संज्ञा, कौन सी आती है, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में समुदाय का बोध होता है, समूह का या समुदाय का बोध होता है, जैसे कक्षा है। अब कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, तो वो केवल एक विद्यार्थी, कक्षा जितने भी विद्यार्थी होते हैं पूरी क्या कहलाती है, हमारी क्लास, इंग्लिश में क्या कहलाती है, क्लास कहलाती है, और हिंदी में क्या कहलाती है, हमारी कक्षा कहलाती है। ऐसी पुलिस है, केवल एक व्यक्ति को पुलिस नहीं कहेंगे, पूरे समूह को उसको ही पुलिस कहा जाता है। सेना, केवल एक व्यक्ति को सेना नहीं कहा जा सकता, जो पूरी उनकी टीम होती है उसको सेना कहा जाता है। परिवार, अब परिवार में कितने सारे सदस्य होते हैं, तो एक सदस्य के परिवार नहीं बनता, काफ़ी सारे सदस्य होते हैं तो उससे मिलकर परिवार बनता है। भीड़ है, अब एक व्यक्ति खड़ा है उसको कह देंगे भीड़ लग रही है, नहीं कह सकते, तो हमारी जो भीड़ यानी काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उसको क्या नाम देंगे, भीड़। ऐसे हम खिलाड़ियाँ जो होते हैं, खेलते हैं मैच में, तो वो क्या कहलाती है, हमारी पूरी टीम कहलाती है। तो ये हमारी किस में आती है, समूहवाचक संज्ञा में। अब आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष को, शील को, स्वभाव को, धर्म को, अवस्था को आदि का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापा, क्रोध, मोटापा, प्रेम, डर, दया, सत्य, सुख, दुख, तो ये हमारे क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। तो संज्ञा हो गई, संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद हो गए, तीन, और जो दो भेद है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। पहली कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और जातिवाचक के दो भेद कौन से हो गए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब संज्ञा के बाद आता है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम हम किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं सर्वनाम, वे शब्द वाक्य में, वह शब्द जो शब्द हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मुकेश एक अच्छा लड़का है, वह खाना खाता है, तो मुकेश एक अच्छा लड़का है, वह क्या काम कर रहा है, खाना खाने का काम कर रहा है, तो वह इसमें क्या है, हमारा सर्वनाम है, क्योंकि हमने मुकेश का प्रयोग ना करके उसकी जगह हमने क्या करा, वह का प्रयोग किया। तो जो हमारे सर्वनाम शब्द कौन से हो गए, जो शब्द हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम। तो इसके भेद कौन कौन से आपके, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये क्या है, हमारे छः भेद हैं। तो छः भेद में सबसे पहला हम आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारे तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इंग्लिश में आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब प्रथम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, मैं और हम, फर्स्ट पर्सन में आपके क्या आते हैं, आई और वी, ऐसे सेकंड पर्सन में केवल क्या आता है, यू या थर्ड, तुम, और थर्ड पर्सन में आता है वह, वे आदि। तो ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चितता का बोध होता है कि निश्चय, ये काम निश्चय, जैसे दीपू कल आया था, दीपू कल आया था, वह मेरा मित्र है, तो दीपू निश्चित है कि हाँ वह कौन है, मेरा मित्र है, वह कौन, दीपू, दीपू कल आया था, वह मेरा मित्र है, तो वह क्या हो गया, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी इसमें निश्चित नहीं है कोई खड़ा है, हम नहीं जानते कि कौन खड़ा है, किसी को नहीं पता, तो कोई, तो जो हमारा कोई है, कोई क्या है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, नहीं पता, इसलिए निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है, अगर नाम होता, किसी का नाम बताया जाता तो वो निश्चयवाचक में आ जाता, अब नाम नहीं है कोई,
तो कोई खड़ा है तो ये क्या हो गया हमारा अनिश्चयवाचक। दूसरा है वह कुछ मांग रहा है, क्या मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, तो कुछ क्या हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक जैसे बाहर कौन बुला रहा है, बाहर कौन बुला रहा है, तो कौन क्या है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह किसे बुला रही है, तो किसे क्या है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है संबंधवाचक, संबंधवाचक जिसमें संबंध का बोध हो रहा हो, जैसे जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही सफल होगा, जो पढ़ेगा वही सफल होगा, यानी जो का संबंध किससे, वही से, तो जो पढ़ेगा वही सफल होगा, ये किस में आ गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम में। ये वही होटल है, कौन सा, ये वही होटल है जिसमें मैं पहले भी रुका था, तो वही जिसमें, ये क्या हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है हमारा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम में जिसमें अपनेपन का बोध होता है, जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, यानी अपने आप करने की उसमें भावना होती है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो इसमें क्या हो गया अपना स्वयं, क्या हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आया है। तो हमें ये क्या करना है, सर्वनाम पहले संज्ञा हो गई, संज्ञा के भेद हो गए, उसके बाद सर्वनाम हो गए, सर्वनाम के भेद हो गए। सर्वनाम के कितने भेद हैं आपके, छः, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला कौन सा है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो ये आपके क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। और बाकी आपकी जो परिभाषाएँ हैं वो PDF के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।